सुपर आर्यन एपिसोड 141 से लेकर 145 तक। कमरे में आने के बाद आर्यन थोड़ी देर आराम करता है। उसके बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय को अपने विश्लोक के सफर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कार्तिक और धनंजय शॉक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में शॉक से बाहर आने के बाद कार्तिक बोला, आर्यन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ आर्यन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, धनंजय ने भी कहा। तुम दोनों एक बार फिर से सोच लो, ये बहुत खतरनाक है, जान भी जा सकती है, आर्यन ने कहा। हमने अपना मन बना लिया है, हम जाएंगे विश्लोक, कार्तिक ने कहा। लेकिन आर्यन हम विश्लोक में प्रवेश कैसे करेंगे, क्योंकि वहां का नियम है जिसके पास विश की शक्ति होगी वही विश्लोक में प्रवेश कर सकता है, धनंजय थोड़ा चिंतित होते हुए बोला। उसकी चिंता मत करो, तुम दोनों आयामी दुनिया में रहोगे और मैं विश्लोक में प्रवेश करूंगा क्योंकि मेरे पास विश की शक्ति है, आर्यन ने कहा। आर्यन के पास विश की शक्ति है, ये सुनकर कार्तिक और धनंजय को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि आर्यन ने पहले ही बता दिया था कि उसकी माँ विश्लोक से है, इसी कारण आर्यन के पास विश की शक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कब निकलना है हमें विश्लोक के लिए, धनंजय ने कहा। कल सुबह निकलेंगे हम, आज पूरी रात अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देंगे, आर्यन ने कहा। ठीक है, तो अभी थोड़ा गुरुकुल घूम लेते हैं, क्या कहते हो तुम दोनों, कार्तिक ने कहा। ठीक है चलो चलते हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन के इतना बोलते ही कार्तिक और धनंजय खुश हो गए और आर्यन के साथ कमरे से निकल गए। पूरा गुरुकुल घूमने में उन्हें समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। कुछ समय और बाहर रहने के बाद तीनों ने खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद आर्यन ने बगैर समय गवाया आयामी मोती निकाली और आयामी दरवाजा को प्रकट किया। आयामी दरवाजा के प्रकट होते के बाद आर्यन ने सबसे पहले कार्तिक और धनंजय को अंदर जाने के लिए बोला। आर्यन की बात मानते हुए उन दोनों ने डरते हुए दरवाजा को छुआ। उन दोनों ने दरवाजा को छूते ही दरवाजे से एक रोशनी निकली और दोनों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों कमरे से गायब हो गए। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन भी अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद आर्यन उन दोनों को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जब दोनों हवेली के रास्ते में थे तो दोनों ने आयामी दुनिया में शक्तिशाली तिलिश्मी जानवर को देखा, जिसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और कार्तिक और धनंजय ने एक साथ कहा, आर्यन ये तिलिश्मी जानवर यहाँ कैसे आए। कार्तिक और धनंजय की बात सुनकर आर्यन ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही समय में तीनों हवेली पहुंच गए। वहां जाकर उन तीनों ने देखा कि ब्लैकी कुछ तिलिश्मी जानवरों से बात कर रहा है। जैसे ही ब्लैकी ने आर्यन को देखा वो खुशी से बोला, तो तुम आ ही गए। हाँ वैसे तुम कर क्या कर रहे हो, आर्यन ने कहा। मैं इन सबको कुछ अभ्यास कराया रहा था, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, ब्लैकी बोला। कुछ नहीं, कल जरूरी काम से जाना है, इसलिए उससे पहले मैं अपनी शक्तियां बढ़ाने आया हूँ ताकि लक्ष्य पूरा करने में कोई बाधा न आए। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद कार्तिक और धनंजय ने अपना एक कमरा चुना और ध्यान करने के लिए बैठ गया। उनके जाने के बाद आर्यन ने भी अपने कमरे में नहीं गया और हवेली से बाहर जाकर सफेद तरल के तालाब से 10 मीटर की दूरी पर ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठने कुछ देर बाद ही आर्यन के शरीर से सप्तरंगी ऊर्जा निकलने लगी और धीरे धीरे करके आर्यन के सभी कुंडलिनी भी जागृत हो गई। आयामी दुनिया में ध्यान करने से प्रभाव 120 गुना अधिक होता है। इसका मतलब वास्तविक दुनिया में एक दिन आयामी दुनिया में 120 दिन के बराबर थी। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्यन वास्तविक दुनिया के अनुसार एक दिन में 120 दिन के बराबर की शक्ति हासिल कर लेगा। वास्तविक दुनिया में 2 घंटे बीत गए थे, यानी आयामी दुनिया में 10 दिन बीत गए थे। आर्यन अब भी ध्यान में ही था, तभी आर्यन को महसूस हुआ कि उसके सोल वर्ल्ड में कुछ बदलाव हुए हैं। ध्यान की अवस्था में ही आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांच करने की सोची और जांच करने लगा। आर्यन अपने सोल वर्ल्ड की जांच कर ही रहा था, तभी आर्यन को अपने सोल वर्ल्ड में कुछ नया दिखा। वो एक सुनहरा चक्र था जो अपनी जगह पर घूम रही थी। आर्यन ने जब अपने दिमाग में उस चक्र की जानकारी का पता लगाया तो आर्यन को पता चला कि इस चक्र में किसी भी तत्व की शक्ति को समाहित करके अपने दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। आर्यन को यह भी पता चला कि इस चक्र में एक साथ 5 तत्व की शक्ति समाहित की जा सकती है, जिसके कारण ये चक्र एक अमोघ अस्त्र बन जाएगा। लेकिन इस चक्र की शक्ति बगैर किसी तत्व शक्ति के भी अधिक है। ये चक्र बगैर किसी और बाहरी शक्ति के अधदैव शक्ति क्षेत्र के योद्धा को मार सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब वो चक्र 5वें स्तर पर पहुंच जाए। जिस दिन ये चक्र राजा स्तर तक पहुंच गया, उस दिन ये स्तर किसी देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा को भी आसानी से मार सकता है। जिस ही आर्यन को चक्र के बारे में सब कुछ पता चला, आर्यन खुश हो गया क्योंकि अभी तक आर्यन को इतना शक्तिशाली अस्त्र नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद भी आर्यन ध्यान से जगा नहीं, वो ध्यान में ही रहा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और धनंजय आयामी दुनिया के 10 दिन ध्यान में रहने के बाद ध्यान से बाहर आ गया था, लेकिन उन दोनों को बहुत फायदा हुआ। कार्तिक अब नरक शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर का योद्धा बन गया था, वहीं धनंजय 5वें स्तर का योद्धा बन गया था। ध्यान में बाहर आने के बाद उन दोनों ने आर्यन को ढूंढा तो आर्यन उन्हें अब भी ध्यान में बैठा मिला, जिसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। कार्तिक और धनंजय
आर्यन को देख ही रहे थे तभी आर्यन के माथे से एक प्रकाश निकला और उसने आकर लिया। आर्यन को पता चल गया था कि कार्तिक और धनंजय ध्यान से बाहर आ गया है, इसलिए उसने अपने एक क्लोन को भर भेजा। बाहर आते ही आर्यन का क्लोन बोला, क्या तुम दोनों वापस गुरुकुल जाना चाहते हो? हाँ, हम बोर हो रहे हैं, इसलिए हम गुरुकुल जाकर थोड़ी देर सोएंगे, कार्तिक ने कहा। ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर क्लोन ने अपना हाथ हिलाया। उसके ऐसा करते ही आर्यन की स्टोरेज से एक मोती निकलकर क्लोन के हाथ में आ गई। वो आयामी मोती थी। आयामी मोती के हाथ में आते ही क्लोन वहां से चल दिया। कार्तिक और धनंजय भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद तीनों वहां पहुंच गए, जिस जगह पर वो तीनों आयामी दुनिया में प्रकट हुए थे। वहां आने के बाद क्लोन ने दरवाजे को प्रकट किया। दरवाजे के प्रकट होते ही कार्तिक और धनंजय ने उसे छुआ और गायब हो गए। उनके जाने के बाद आर्यन का क्लोन एक प्रकाश में बदल कर वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ जिस आर्यन के चेहरे पर अब तक खुशी थी, वो अचानक दर्द में बदल गई। उस दर्द को महसूस कर आर्यन मन ही मन बोला, ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है? इतना बोलकर जब आर्यन ने अपने शरीर की जांच की तो उसके दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोला, ये तो मेरा बजर शरीर शक्ति है जिसका स्तर बढ़ रहा है। अब वो पांचवें स्तर पर पहुंचने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे शरीर को शक्तिशाली हमलों से भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा शरीर अब नौवें स्तर के हथियार को बगैर किसी खरोच के अपने शरीर पर झेल सकता है। करीब 10 मिनट डेढ़ रहने के बाद दर्द अचानक गायब हो गया, जिसके कारण आर्यन ने राहत की सांस ली। लेकिन आर्यन ध्यान से नहीं जगा बल्कि और गहन ध्यान में चला गया। आर्यन इस वक्त किसी तपस्वी से कम नहीं लग रहा था। आर्यन को ध्यान में गए आयामी दुनिया का 20 दिन और बीत गए। आर्यन ध्यान में ही था कि उसे फिर से अपने सोल वर्ल्ड में कुछ महसूस हुआ। जब उसने जांच की तो पता चला कि उसका तीर और अधिक तेज रोशनी से चमक रहा था। अपने तीर को देखकर आर्यन खुद से बोला, मेरा तीर तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। साथ में आर्यन ने यह भी महसूस किया कि वो अब नरक शक्ति क्षेत्र के सम्राट स्तर पर पहुंच गया। आर्यन की शक्ति बढ़ने की रफ्तार बहुत अधिक थी, कोई भी योद्धा 1 महीने में ऐसी छलांग नहीं सकता था। ये सब महसूस करने के बाद आर्यन खुद से बोला, अपनी अंदरूनी शक्ति की सहायता से मैं इस वक्त स्वर्ग शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर तक के योद्धा को हर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने मंत्रों की शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग किया तो किसी को भी हरा सकता हूँ सिवाय किसी देवता के। ध्यान पूरा होने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसकी आंखों से सप्तरंगी रोशनी निकल रही थी, जो पहले से अधिक शक्तिशाली लग रही थी। कुछ पल बाद आर्यन की आंखें नॉर्मल हो गई। उसके बाद वो उठा और हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि पांचों इंसान रूपी तिलिश्मी जानवर बैठा हुआ था। उन पांचों ने जब आर्यन को देखा तो खड़े होकर आर्यन के सामने सिर झुकाकर सम्मान दिया। आर्यन ने भी उनका सम्मान सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसके बाद आर्यन अपने जगह पर बैठ गया। उसके बाद आर्यन बोला, मैं एक जरूरी काम से जाने वाला हूँ। जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ भयानक लड़ाई हो, इसलिए उस लड़ाई में मुझे तुम पांचों की जरूरत होगी। आर्यन की बात सुनकर पांचों तिलिश्मी जानवर ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोला, हम आपके आदेश का इंतजार करेंगे उस्ताद। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। अगर तुम सब मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आर्यन ने कहा। हमें कुछ नहीं पूछना है, उस्ताद सिंहराज बाकी सबको देखने के बाद बोला। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, समय आने पर बुला लूंगा, आर्यन इतना बोलकर हवेली से निकल गया। जब आर्यन छात्रावास के अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कार्तिक और धनंजय सो रहा था। उन दोनों को सोते देखने के बाद आर्यन ने समय देखा तो पता चला अभी सुबह के 4 बजे थे। समय देखने के बाद आर्यन लाइब्रेरी में चला गया, वहां रखे किताबों को देखने लगा। करीब 2 घंटे बाद आर्यन को एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब आर्यन लाइब्रेरी से बाहर आया तो उसने देखा कि कार्तिक और धनंजय उठ चुका था। उन दोनों को देखकर आर्यन बोला, तैयार हो जाओ, हम बहुत जल्दी यहां से निकलेंगे। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय ने सहमति में सिर हिलाया और तैयार होने चला गया। करीब 2 घंटे बाद आर्यन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर आर्यन ने जब दरवाजा खोला तो उसे सामने एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का आर्यन को देखते ही पहचान गया और बोला, आर्यन तुम्हें ऋषिवर बुला रहे हैं पथरीले मंच के पास। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिला दिया और कमरे के अंदर देखते हुए बोला, कार्तिक धनंजय चलो, समय हो गया है। आर्यन की बात खत्म होते ही कार्तिक और धनंजय वहां आ गया। उन दोनों के आने के बाद आर्यन उन दोनों के साथ अपने कमरे से निकल गया। कमरे से निकलने के बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ पथरीले मंच पर पहुंच चुका था, जहां ऋषि चैतन्य उसका इंतजार कर रहे थे। क्या आर्यन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? एपिसोड 142। जब आर्यन पथरीले मंच के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे शिष्य लड़ाई कर रहे थे। आर्यन ने जब आसपास देखने के बाद आर्यन की नज़र ऋषि चैतन्य पर पड़ी, जो एक ऊंचे मंच की एक पथरीले कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें देखकर आर्यन उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। आर्यन को प्रणाम करते देखकर कार्तिक और धनंजय ने भी ऋषि चैतन्य को प्रणाम किया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो बहुत सारे शिष्य ने उसे पहचान लिया। उन शिष्यों में वरुण और अंशुमान भी था। वरुण आर्यन को देखकर खुश हो गया, वहीं दूसरी तरफ अंशुमान गुस्से में आर्यन को देख रहा था। ऋषि चैतन्य को प्रणाम करने के बाद आर्यन ने सभी शिष्यों को देखा। उसके बाद आर्यन ऋषि चैतन्य से बोला, ऋषिवर कब निकलना है?
यहाँ से आर्यन की बात सुनकर ऋषि चैतन्य ने कहा, हम कुछ समय में निकलेंगे, थोड़ी देर इंतजार करो। ऋषि चैतन्य ने इतना कहा ही था कि आर्यन को एक आवाज सुनाई दी, आर्यन मैं तुम्हें लड़ाई की चुनौती देता हूँ, क्या मुझसे लड़ोगे? उस आवाज को जब सभी शिष्य और वहां मौजूद आचार्यों ने सुना तो उन सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां अंशुमान मंच पर खड़ा आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन ने भी अंशुमान की तरफ देखा। उसके बाद आर्यन ने एक बार ऋषि चैतन्य की तरफ देखा। आर्यन को अपनी तरफ देखकर ऋषि चैतन्य ने सहमति में सिर हिला दिया। उनकी अनुमति मिलने के बाद आर्यन अंशुमान की तरफ देखते हुए बोला, आर्यन आज तक किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटा है। इतना बोलकर आर्यन अंशुमान के सामने पहुंच गया। आर्यन की गति इतनी तेज थी कि किसी ने आर्यन को कदम उठाते भी नहीं देखा। आर्यन की गति देखकर अंशुमान अंदर ही अंदर डर गया। आर्यन की गति को देखकर मंच के आसपास बैठे शिष्य आपस में बात करने लगे, अरे भाई इस आर्यन की गति कितनी तेज है, क्या आर्यन का सामना अंशुमान कर पाएगा, तुम देख लेना अंशुमान आर्यन को हरा देगा। इसी तरह की कई बातें शिष्य आपस में कर रहे थे। दूसरी तरफ अंशुमान आर्यन को देख रहा था। कुछ पल अंशुमान ने आर्यन को देखा और अपने तलवार को निकाल लिया। अंशुमान की तलवार आधा सफेद और आधा लाल था। वो तलवार 9वें स्तर का तिलिश्मी तलवार था। 9वें स्तर के तिलिश्मी तलवार को अपने पास कोई साधारण परिवार नहीं रख सकता था, क्योंकि ये तलवार बहुत महंगे मिलते थे, इसलिए 8वें स्तर से ऊपर के हथियार अमीर परिवारों के पास ही होते थे। अंशुमान की तलवार को आर्यन ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं निकाली और निहत्था ही खड़ा रहा। ये देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। आर्यन को अपने हथियार को नहीं निकालते देखकर अंशुमान ने कहा, आर्यन लगता है तुम डर गए हो, अगर ऐसा है तो अपने घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। अंशुमान की बात सुनकर सभी शिष्य आर्यन की तरफ देखने लगे। तभी आर्यन ने कहा, आज तक कोई ऐसा योद्धा मुझे नहीं मिला जो आर्यन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सके। आर्यन की बात सुनकर अंशुमान ने कहा, तो फिर निकालो अपने हथियार, मैं भी तो देखूं तुम कितने शक्तिशाली हो। ठीक है, हमला करो। आर्यन के इतना कहते ही अंशुमान ने अपने अपने तलवार से हमला कर दिया। अंशुमान के हमला करते ही अंशुमान की तलवार से एक शक्ति किरण निकली और आर्यन की तरफ जाने लगी। ये देखकर आर्यन ने अपनी उंगली उठाई और उसे अंशुमान की दिशा में कर दिया। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की उंगली से एक शक्ति किरण निकली और अंशुमान के हमले से टकरा गई। एक अंशुमान और आर्यन के हमले से टकराते छोटा से धमाका होता है और दोनों शक्ति नष्ट हो जाती है। अपनी शक्तिशाली हमले को नष्ट होते देख अंशुमान को बड़ी है रानी हुई और वो आर्यन को आश्चर्य में देखने लगा। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद अंशुमान ने दो बार अपने तलवार को घुमाए। अंशुमान के ऐसा करते ही अंशुमान की तलवार से दो तलवार निकली और आर्यन की तरफ जाने लगी। अपनी तरफ दो तलवार को आते देखकर आर्यन मुस्कुराया और एक ऊर्जा चक्र बनाया जिसमें 7 रंग थे। आर्यन की सप्तरंगी अंदरूनी शक्ति को देखकर सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन सब ने कभी ऐसी अंदरूनी शक्ति नहीं देखी थी। अपनी अंदरूनी शक्ति से ऊर्जा चक्र बनाने के बाद आर्यन ने अपना हमला छोड़ दिया। आर्यन के हाथ से छूटते ही ऊर्जा चक्र अंशुमान के दोनों तलवार से टकरा गई। जैसे ही आर्यन और अंशुमान का हमला टकराया, एक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। एक ऊर्जा की लहर अंशुमान से टकरा गई, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को ऊर्जा की लहर से टकराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये तक आर्यन के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई, जिसे देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, सिवाय ऋषि चैतन्य के। वो आर्यन की शक्ति से परिचित थे। ऋषि चैतन्य आर्यन का खेल देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऋषि चैतन्य को मुस्कुराते देखकर एक वरिष्ठ आचार्य ने कहा, ऋषिवर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मालूम? उस वरिष्ठ आचार्य की बात सुनकर ऋषि चैतन्य ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो ये देखकर मुस्कुरा रहा हूँ कि आर्यन कब तक इस शिष्य के साथ खेल खेलने वाला है, क्योंकि अगर आर्यन चाहे तो इसे अपने एक हमले में हरा सकता है। ऋषि चैतन्य की बात सुनकर सभी वरिष्ठ आचार्य आर्यन को देखने लगे। तभी अंशुमान खुद के संभालते हुए उठा और कुछ मंत्र पढ़े। अंशुमान के मंत्र पढ़ते ही अंशुमान की तलवार एकदम लाल हो गई। उस लाल तलवार से बहुत गर्म ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर आर्यन बोला, तीसरे स्तर की अग्नि तलवार शक्ति मंत्र काबिल तो है ये अंशुमान, इसके पास तीसरे स्तर के भी मंत्र है। अंशुमान को अग्नि तलवार शक्ति का प्रयोग करते ही मंच के आसपास की गर्मी बढ़ गई और वहां बैठे सभी शिष्य बहुत जल्दी पसीने में तर बतर हो गए। अंशुमान की शक्ति को देखकर सभी शिष्य आपस में बात करने लगे, अरे भाई ये अंशुमान तो अपनी तीसरे स्तर की मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आज तक जब जब अंशुमान ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया वो जीता ही है, आज तो आर्यन गया। अपने आसपास चल रही बातों को सुनकर अंशुमान ने गर्व से अपना सिर उठाकर आर्यन बोला, तुम खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हो, न तो मेरी इस शक्ति का सामना करो। अंशुमान की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम हमला करो, मैं तो देखूं तुम्हारे इस हमले में कितनी शक्ति है। जब अंशुमान ने देखा कि आर्यन उसके इतने शक्तिशाली हमले को देखकर भी नहीं डर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसी गुस्से में आर्यन पर हमला कर दिया। अंशुमान के हमला करते ही अंशुमान के तलवार से एक अग्नि तलवार निकली, जिसकी लंबाई करीब 1 मीटर थी, जो पूरी तरह से आग से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से उस तलवार से आग की लपटें निकल रही थी। वो तलवार जहां से भी गुजरती उस जगह पर मंच का
पत्थर पूरी तरह से गर्म हो जाता और थोड़ी देर बाद काली पड़ जाती। अंशुमान के हमले को देखने के बाद आर्यन ने अपने हाथों में सफ़ेद ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया, जो कुछ ही पलों में एक सफ़ेद तलवार में बदल गई। आर्यन की सफ़ेद तलवार से ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जो अंशुमान के हमले से उत्पन्न गर्मी को कम कर रहा था। आर्यन का हमला जैसे ही पूरी तरह से तैयार हुआ, आर्यन ने अपनी सफ़ेद तलवार अंशुमान की अग्नि तलवार की तरफ छोड़ दी। कुछ ही पलों में आर्यन की तलवार अंशुमान के अग्नि तलवार से टकरा गई, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ और सफ़ेद और लाल ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। धमाके से उत्पन्न ऊर्जा को सब लड़ाई देख रहे शिष्यों ने देखा कि वो लाल और सफ़ेद ऊर्जा उनकी तरफ आ रही है, तो वो लोग डर गए। तभी उन शिष्यों ने देखा कि उनके सामने ऊर्जा की एक दीवार खड़ी है, जिससे टकरा कर सफ़ेद और लाल ऊर्जा नष्ट हो गई। इस ऊर्जा दीवार को एक वरिष्ठ आचार्य ने बनाया था। दूसरी तरफ जैसे ही अंशुमान और आर्यन उस ऊर्जा लहर से टकराया, दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। एक तरफ अंशुमान के मुंह से दोबारा खून निकलने लगा, वहीं दूसरी तरफ आर्यन को कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखकर सभी शिष्य और आचार्य शॉक हो गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यन इस खतरनाक हमलों से कैसे बच रहा है, लेकिन उन्हें थोड़े ही पता था कि अब आर्यन का शरीर वज्र का बन चुका है, जिस पर अंशुमान जैसे हजार योद्धाओं की शक्ति भी एक खरोच नहीं लगा सकती है। करीब 10 मिनट से लड़ाई कलर ही थी, लेकिन आर्यन ने एक भी हमला नहीं किया था, उसने सिर्फ अंशुमान के हमले का जवाब दिया था। फिर भी अंशुमान दो बार घायल हो गया था। ये देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अंशुमान क्या अभी और लड़ना है, क्योंकि अभी तक मैंने हमला नहीं किया है, फिर भी तुम घायल हो गए, सोचो अगर मैंने हमला किया तो तुम्हारा क्या होगा। आर्यन की बात सुनकर सभी शिष्य अंशुमान की तरफ देखकर अंशुमान के फैसले का इंतजार करने लगे। कुछ शिष्य तो अंशुमान का मजाक उड़ाने लगे, अरे भाई देखो आज तक ये खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, लेकिन आज आर्यन के हमला किए बगैर घायल हो गया। ये सारी बातें सभी शिष्य धीरे धीरे कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अंशुमान को नाराज नहीं करना चाह रहा था। इसकी वजह थी अंशुमान का राज परिवार का सदस्य होना। सभी की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करना चाहते हुए भी अंशुमान को अपनी इज्जत बचाने के लिए रैन से लड़ाई जारी रखने का फैसला लेना पड़ा। फैसला लेने के बाद अंशुमान दर्द से भरी में बोला, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है आर्यन, अभी मैं और लड़ूंगा। अंशुमान की बातें खत्म ही हुई थी कि पूरे मंच पर एक आवाज गूंजी, आर्यन ये लड़ाई जल्दी खत्म करो, हमें निकलना भी है, देर हो रही है। जब सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वो आवाज ऋषि चैतन्य की थी। आर्यन ऋषि चैतन्य को देखते हुए बोला, ठीक है ऋषिवर, अभी कर देता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथों में सप्तरंगी ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही सप्तरंगी ऊर्जा ने पूरी तरह से एक गोले का रूप ले लिया, उसके बाद आर्यन ने उस ऊर्जा गोले को अंशुमान की तरफ छोड़ दिया। आर्यन ने हमले को अपनी तरफ आते देखकर अंशुमान ने जल्दी से अपने तलवार से हमला किया, जिससे तीन रंगी ऊर्जा निकली और आर्यन ने हमले से टकरा गई, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। सभी को लगा कि आर्यन का हमला नष्ट हो गया, अंशुमान को भी यही लगा कि उसने आर्यन के हमले को नष्ट कर दिया है। ये सोचकर अंशुमान मुस्कुराने लगा। तभी सभी को दिखाई दिया, विस्फोट के बीच से एक छोटी सप्तरंगी ऊर्जा अंशुमान की बढ़ रही थी। उस ऊर्जा गोले को देखकर अंशुमान की मुस्कान गायब हो गई और वो हमला करने ही वाला था कि वो छोटा सा गोला अंशुमान से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का हमला अंशुमान से टकराया, वो ऊर्जा गोला पाश में बदलकर अंशुमान को जकड़ने लगा। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि आर्यन ने पाश शक्ति का इस्तेमाल किया था। खुद को पाश में जकड़ा पाकर अंशुमान अपनी शक्ति से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पाश टूट नहीं रहा था। अंशुमान अपनी सारी शक्ति लगाकर आर्यन के पाश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था। तभी उसे त्रियम की आवाज़ सुनाई दी, अंशुमान हार मान लो, क्योंकि इस पाश को मेरे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा, और जब तक मैं लौटकर गुरुकुल नहीं आता तुम ऐसे ही बंधे रहोगे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अभी इस पाश को तोड़कर तुम्हारे घमंड को तोड़ूंगा। अंशुमान इतना बोलकर अपनी सारी शक्ति लगाकर पाश को तोड़ने की कोशिश करने लगा। क्या अंशुमान हार मान लेगा? एपिसोड 143। आर्यन के पाश में बंधने के बाद भी अंशुमान ने हार मानने से इनकार कर दिया। अंशुमान के हार न मानते देखकर आर्यन अंशुमान से बोला, देखो मैं एक महीने के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम इस वक्त हार नहीं माने तो तुम्हें एक महीने तक ऐसे ही बंधा रहना पड़ेगा, और कोई भी तुम्हें मेरे पाश से आज़ाद नहीं करा पाएगा, और किसी ने कोशिश की तो मेरे पाश में विस्फोट होगा और तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगे, इतना घायल कि तुम कभी अपने शक्ति स्तर को बढ़ा नहीं पाओगे। आर्यन की बात सुनकर अंशुमान डर गया और गुस्से में आर्यन को देखने लगा। तभी शिष्य और वरिष्ठ आचार्य अंशुमान को देखने लगे। वो सभी ये देखना चाहते थे कि अंशुमान क्या फैसला लेता है। अंशुमान गुस्से में आर्यन को घूरे जा रहा था। कुछ पल आर्यन को घूरने के बाद अंशुमान ने कुछ पल अपनी आंखें की और फिर एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और आर्यन को देखते हुए बोला, मैं हार मानता हूं, अब मुझे आजाद करो। अंशुमान की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा किया और अंशुमान की तरफ छोड़ दिया। अपनी तरफ आर्यन की ऊर्जा को आते देखकर अंशुमान डर गया और बोला, तुमने हमला क्यों किया?
अंशुमान के इतना बोलते ही आर्यन की ऊर्जा शक्ति अंशुमान से टकरा गया, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। और जब प्रकाश कम हुआ तो सभी ने देखा कि अंशुमान आर्यन के पास से मुक्त हो चुका है। ये देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और आर्यन के बारे में बात करने लगे। सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन ऋषि चैतन्य के पास पहुंच गया और बोला, चलिए ऋषिवर चलते हैं। आर्यन की बात सुनकर ऋषि चैतन्य मुस्कुराते हुए अपनी जगह के उठे और आर्यन, कार्तिक और धनंजय के साथ वहां से निकल गए। आर्यन के जाने के बाद भी हर किसी की जुबान पर आर्यन का ही नाम था। दूसरी तरफ आर्यन ऋषि चैतन्य ने सात बाहरी क्षेत्र के दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजे पर पहुंचने के बाद आर्यन ऋषि चैतन्य के सात दरवाजे के रास्ते बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। बाहरी क्षेत्र पहुंचने के बाद ऋषि चैतन्य ने आर्यन, कार्तिक और धनंजय को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बोला। जैसे ही उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ऋषि चैतन्य ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उनके ऐसा करते ही वो सभी वहां से गायब हो गए। गुरुकुल से गायब होने के बाद करीब आधे घंटे बाद आर्यन ऋषि चैतन्य के साथ एक अनजान जगह पर तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। आर्यन के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कार्तिक और धनंजय के लिए ये सब नया था। वो दोनों शौक में था। उन दोनों को शौक में देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? अर्जुन की बात सुनकर दोनों होश में आया और एक साथ बोला, तुम कहाँ है और हम इतनी तेज गति से यहाँ कैसे पहुंचे? पुल का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन दोनों की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम दोनों ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा बन जाओगे, उस दिन तुम भी ये सब कर सकते हो। तो क्या ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का कोई भी योद्धा ये कर सकता है? कार्तिक ने कहा, हाँ कोई भी कर सकता है। आर्यन ने कहा, लेकिन हम है कहाँ, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, धनंजय ने कहा। धनंजय की बात का आर्यन कोई जवाब देता उससे पहले ऋषि चैतन्य ने कहा, हम इस वक्त राजधानी के पूर्वी क्षेत्र में हैं, जहाँ हमें तिलश्मी द्वार मिलेगा। आगे का सफर हम तिलश्मी द्वार के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि हमने उड़कर या किसी सवारी का प्रयोग किया तो हमें विश्लोक पहुंचने में 15 दिन लग जाएंगे और वही तिलश्मी द्वार के रास्ते से हमें 3 दिन लगेंगे। ऋषि चैतन्य की बात सुनकर आर्यन, कार्तिक और धनंजय ने सहमति में सिर हिला दिया। तीनों को तिलश्मी द्वार के बारे में सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्तिक और धनंजय पहले ही अपने पिता से सुन रखा था कि राजधानी में तिलश्मी द्वार है, और आर्यन तो पिछले जन्म में देवता था, इसी कारण ये सब उसके लिए सामान्य था। प्रकट होने वाले जगह से कुछ दूर चलने के बाद आर्यन को एक बाजार दिखाई दिया जहां काफी हलचल थी। कुछ देर और चलने के बाद आर्यन के सामने एक इमारत थी। उस इमारत को देखते हुए ऋषि चैतन्य ने कहा, इसी इमारत से तिलश्मी द्वार को चलाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ की अनुमति लिए बगैर कोई भी तिलश्मी द्वार से सैर नहीं कर सकता है। तिलश्मी द्वार से कहाँ जाना है, इसकी जानकारी यहाँ देना होता है। इतना बोलकर ऋषि चैतन्य इमारत के अंदर जाने लगा। ऋषि चैतन्य को अंदर जाते देखकर आर्यन, कार्तिक और धनंजय उनके पीछे पीछे जाने लगे। इमारत के अंदर जाकर उन लोगों ने इमारत को अंदर से देखने लगे। कुछ पल देखने के बाद ऋषि चैतन्य सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाने लगे। कुछ मिनट बाद आर्यन ऋषि चैतन्य के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। उस मंजिल पर एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, विश्लोक प्रवेश अनुमति क्षेत्र। उस मंजिल पर पहुंचने के बाद ऋषि चैतन्य सामने बैठे आदमी के पास गए। जैसे ही उस आदमी ने अपने सामने एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी को देखा तो उसके चेहरे के तेज को देखकर उसे लगा कि ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। सामने बैठा आदमी उठा और बोला, जी मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? उस आदमी की बात सुनकर ऋषि चैतन्य ने कहा, मेरा नाम ऋषि चैतन्य है और ये तीन मेरे शिष्य हैं, हमें विश्लोक जाना है। ऋषि चैतन्य से उनका नाम सुनकर वो आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, ऋषि चैतन्य को मेरा प्रणाम, मैं आपके जाने की अनुमति पत्र अभी तैयार करवा देता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी अपनी जगह से उठकर अंदर चला गया। इतनी आसानी से अनुमति पत्र मिलते देखकर कार्तिक ऋषि चैतन्य से बोला, ऋषिवर ये तो बड़ी आसानी से काम हो गया। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन बोला, इस दुनिया में एक हील से ज्यादा एक ऋषि का सम्मान होता है। एक ऋषि को कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता है। कुछ देर के इंतजार के बाद वो आदमी अपने हाथ में एक टोकन और एक पत्र लेकर आया और ऋषि चैतन्य को दे दिया। उस आदमी के हाथ से टोकन और पत्र लेने के बाद ऋषि चैतन्य आर्यन, कार्तिक और धनंजय के साथ उस मंजिल से नीचे उतरने लगे। कुछ देर बाद ऋषि चैतन्य आर्यन, कार्तिक और धनंजय के साथ एक नील द्वार के सामने खड़े थे। उनके बगल में एक आदमी खड़ा था। ऋषि चैतन्य ने उस आदमी को टोकन और अनुमति पत्र को दिखाया। उस टोकन और अनुमति पत्र को देखने के बाद उस आदमी ने दरवाजे के खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े। उसके मंत्र पढ़ते ही दरवाजे से नीली चमक आने लगी। उस चमक के आने के बाद उस रोशनी ने ऋषि चैतन्य के साथ साथ आर्यन, कार्तिक और धनंजय को घेर लिया। उसके बाद चारों लोग वहां से गायब हो गए। विश्लोक में एक अनजान जगह पर चार लोग चले जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी दाढ़ी था। उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वो आदमी ऋषि चैतन्य थे और उनके बगल में आर्यन, कार्तिक और धनंजय था। वो तीनों एक बाजार में चले जा रहे थे। बाजार में एक जगह पर पहुंचने के बाद ऋषि चैतन्य आर्यन से बोले, आर्यन अब तुम्हें यहां से अकेले जाना होगा विश्लोक की राजधानी तक। आगे क्या करना है वो तुम्हें ही सोचना होगा।
ऋषि चैतन्य की बात सुनकर आर्यन ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, ऋषिवर आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस आभार को चुकाने के लिए जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े याद कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। आर्यन की बात सुनकर ऋषि चैतन्य ने मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद आर्यन ने अपने हाथ को हिलाए, उसके ऐसा करते ही आर्यन के हाथ में दो गोली आ गई। उन दो गोली आर्यन ने कार्तिक और धनंजय को देते हुए बोला, ये गोली खा लो, इस गोली की वजह से तुम दोनों विष का असर नहीं होगा, इस विष लोक की हवाओं में भी विष है। अब तक तुम दोनों बचे थे क्योंकि यहाँ ऋषि चैतन्य थे, उन्होंने विष की शक्ति को तुम दोनों के पास पहुँचने से पहले ही नष्ट कर देते थे। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय ने डरते हुए आर्यन के हाथ से गोली लेकर खा ली। उसके बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ निकल गया। उन तीनों ने आयामी दुनिया से अपने घोड़े को निकाल लिया था और उसे भी गोली खिला दी थी। करीब चार दिन बाद आर्यन विश्लोक की राजधानी पहुंच चुका था। विश्लोक की राजधानी को देखते हुए कार्तिक बोला, ये विश्लोक तो देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। हाँ भाई, ये विश्लोक तो बहुत खतरनाक है, धनंजय ने कहा। तीनों तेजी में आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक सुनसान जगह देखकर आर्यन ने तीनों घोड़ों को आर्यन ने आयामी दुनिया में वापस भेज दिया। उसके बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय राजधानी के बाजार में घूमने लगा। तीनों घूम ही रहा था तभी आर्यन ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। एक आदमी ने कहा, दो दिन बाद शाही मैदान में नागिस था न के गद्दार अरुण और उसके परिवार को मौत की सजा मिलने वाली है। दूसरा आदमी बोला, भाई वो तीनों कोई गद्दार नहीं, बस उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सम्राट विश्वदंत से नहीं करवाया था, इसी कारण सम्राट विश्वदंत ने उन पर लोकद्रोह का इल्जाम लगा दिया, जिसके कारण वो पूरा परिवार सालों तक जंगलों में रहा। कुछ ही समय वो सैनिकों के हाथ लगे थे। आर्यन उन लोगों की बात सुनकर बोला, ये तो मेरे नानाजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग आर्यन के नानाजी की ही बातें कर रहे थे जो नागिस था न के रहने वाले थे। आर्यन के नाना का नाम अरुण और मामा का नाम अर्यांश था। उन तीनों की बात सुनकर आर्यन थोड़ा गुस्से में आ गया, लेकिन कुछ किया नहीं और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, हमें तीन दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन उस दिन के आने से पहले हमें इस लोक के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। कुछ नहीं, हमें सिर्फ घूमना है और जगह को जनाना है बगैर किसी की नजर में आए। तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि तुम दोनों के अंदर विष की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम दोनों पकड़े जा सकते हो, आर्यन ने कहा। ठीक है, हम वैसे ही करेंगे जैसा तुमने कहा है, धनंजय ने कहा। कुछ देर और योजना बनाने के बाद तीनों राजधानी घूमने लगे। घूमते घूमते दो तीनों एक जंगल के पास पहुंच गए। उस जंगल को देखकर आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ जंगल के अंदर चला गया। घूमते घूमते रात हो गई, इसी कारण जंगल में अंधेरा था। ये देखकर आर्यन बोला, अब हम आयामी दुनिया में चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन ने मोती को सहलाया, जिससे दरवाजा प्रकट हो गया और आर्यन कार्तिक और धनंजय के साथ अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद तीनों इतने तक गए थे कि सो गए। करीब आयामी दुनिया के छह घंटे बाद आर्यन सोकर उठा तो उसने देखा कि कार्तिक और धनंजय पहले से ही उठा हुआ है और ध्यान कर रहा है। उन दोनों को ध्यान करते देखकर आर्यन के भी मन में ध्यान करने का विचार आया और वो सफेद तरल के तालाब के पास जाकर ध्यान में बैठने के स्थान पर बैठ गया। ध्यान में जाने से पहले आर्यन ने अपनी स्टोरेज से एक गोली निकाली। वो कोई साधारण गोली नहीं, विष का बीज था जो आर्यन ने तिलिश्मी सांप से हासिल किया था। उस विष के बीज को निकालने के बाद आर्यन ने उसे खा लिया। उस विष के बिस्के खाते ही आर्यन का शरीर नीला पड़ने लगा, लेकिन आर्यन घबराया नहीं और ध्यान में बैठ गया। क्या आर्यन विष लोक से सुरक्षित निकल पाएगा? एपिसोड 144। आयामी दुनिया में आर्यन विष का बीज निगल कर ध्यान में चला गया और अपने परिष्कृति शक्ति को काम पर लगा दिया। बहुत जल्दी ही आर्यन की सारी कुंडलिनी जागृत हो गई और आर्यन के शरीर से सप्तरंगी ऊर्जा निकलने लगी। आर्यन के शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आर्यन ध्यान में ही था तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सोल वर्ल्ड में कोई बदलाव हो रहा है। ये महसूस करते ही आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांच की तो उस पता चला कि उसके विष की शक्ति के नीले गोले में बदलाव हो रहा है। ये महसूस कर आर्यन खुश हो गया और गहन ध्यान में चला गया। आर्यन आयामी दुनिया के दो दिनों से ध्यान में ही तभी एक घटना घटी जिसे देखकर आयामी दुनिया में रहने वाले सभी तिलिश्मी जानवर घबरा गए। हुआ ये था कि आर्यन के सिर के ऊपर आसमान में नीले बादल छाने लगे। उस बादल का नीलापन बहुत गहरा था। इस घटना के कारण सभी तिलिश्मी जानवर के साथ साथ कार्तिक और धनंजय भी आश्चर्य में था, क्योंकि ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। ये सब देखने के बाद पांचों इंसान रूपी तिलिश्मी जानवर ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद वनराज ने कहा, लगता है इस आसमानी आपदा से हमें उस्ताद को बचाना होगा। वनराज की बात सुनकर सर्पेश ने कहा, मैं जाता हूँ, तुम लोग यही रुको क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि इस बादल में विष है। ये विष जिस पर गिरेगा वो पिघल जाएगा। सर्पेश की बात सुनकर सभी तिलिश्मी जानवर के साथ साथ कार्तिक और धनंजय भी परेशान हो गया। सभी परेशानी में एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद सर्पेश आगे बढ़ने लगा। तभी उन सबको एक आवाज सुनाई दी, सब रुक जाओ, कोई आगे मत जाना।
इस आवाज को सुनकर सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहाँ ब्लैकी खड़ा था। ब्लैकी को खड़ा देखकर सिंहराज ने कहा, ब्लैकी अगर हम आगे नहीं गए तो उस्ताद मर सकते हैं। सिंहराज की बात सुनकर ब्लैकी बोला, ये आसमानी आपदा आर्यन को मारने नहीं आ रही है। जब भी आर्यन को स्वर्ग की शक्ति मिलती है तब तब ऐसा ही होता है। आज तक 3 बार आर्यन ने ऐसी आपदा झेली है। ब्लैकी की बात सुनकर सभी तिलिश्मी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। कार्तिक और धनंजय ने भी एक दूसरे को देखा। वहां खड़े सभी तिलिश्मी जानवर शौक में था। कार्तिक और धनंजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए कार्तिक ब्लैकी से बोला, तुम कहना क्या चाहते हुए हो ब्लैकी, साफ साफ बताओ क्या रहस्य है इस सब का। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आर्यन कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसे शक्तियाँ स्वर्ग से मिलती है। आर्यन के पास 7 तत्वों की शक्ति है, जिसमें से आज 4थी शक्ति है जो आर्यन को स्वर्ग से मिल रही है। इससे पहले आर्यन को आग, जल और पृथ्वी की शक्ति मिल चुकी है और आज विष की शक्ति मिल रही है, ब्लैकी ने कहा। ब्लैकी की बात सुनकर सभी शौक में आर्यन को देखने लगे। तभी उन्हें फिर से ब्लैकी की आवाज सुनाई दी, अब चलो यहाँ से, नहीं तो इस विष के प्रभाव से तुम सब भी मारे जाओगे। ब्लैकी की बात सुनते ही सभी तेजी में आर्यन से दूर जाने लगे। वो लोग करीब 100 मीटर दूर गए ही होंगे कि उन सबको एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर जब सबने पीछे देखा तो उन्हें दिखा कि नीला बदल फट चुका था और उससे निकलने वाली ऊर्जा आर्यन पर गिरने के लिए नीचे आ रही थी, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगे। दूसरी तरफ आर्यन को भी महसूस हो गया कि उस पर कुछ गिरने वाली। ये महसूस करते ही आर्यन समझ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब उसने पहले भी झेला था। ये सब सोचकर आर्यन ने अपनी हीलिंग शक्ति को एक्टिवेट कर दिया। तभी विष की ऊर्जा आर्यन से टकरा गया। जैसे ही विष की ऊर्जा आर्यन से टकराया, तभी आर्यन के मुंह से एक चीख निकली और आर्यन दर्द भरी आवाज में खुद से बोला, ये विष की ऊर्जा तो बहुत खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मुझ पर तेजाब की वर्षा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पिघल रहा है। विष की ऊर्जा की वजह से आर्यन के शरीर पर घाव बनने लगे थे। आर्यन का पूरा चेहरा जल चुका था। इस वक्त आर्यन पहचान में ही नहीं आ रहा था, लेकिन तुरंत ठीक हो गया। लेकिन फिर से आर्यन का चेहरा जल गया। ऐसा करीब 10 मिनट तक चला। आर्यन का चेहरा विष की वजह से जलता फिर हीलिंग शक्ति की वजह से ठीक हो जाता। दूर से देखकर तिलिश्मी जानवर को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सर्पेश अपनी तरफ आ रहे विष की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहा था, जिसकी वजह से बाकी तिलिश्मी जानवरों और कार्तिक और धनंजय विष के प्रभाव से बच पा रहे थे। जब सर्पेश विष को अपने अंदर समाहित कर रहा था, उस वक्त सर्पेश के चेहरे पर एक सुकून था। सर्पेश मन ही मन बोला, ये स्वर्गीय विष तो मेरे शक्ति स्तर को बढ़ा रहा है, मेरे विष की शक्ति भी मजबूत हो रही है। कुछ पल बाद आसमान से आ रही विष की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। आसमान से आ रही विष की ऊर्जा के खत्म होते ही आर्यन आसमान फैले विष की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने लगा। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि कोई और भी आसपास फैले ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहा है। ये महसूस कर आर्यन कुछ पल सोचा और तभी आर्यन के दिमाग में एक चेहरा याद आया और वो चेहरा था सर्पेश का। सर्पेश की याद आते ही आर्यन आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने बंद कर दिया और सभी ऊर्जा सर्पेश के लिए छोड़ दिया। जब सर्पेश ने महसूस किया कि आर्यन अब अपने अंदर विष की ऊर्जा को समाहित नहीं कर रहा है, तो वो खुश हो गया और मन ही मन बोला, धन्यवाद उस्ताद। विष की ऊर्जा को आयामी दुनिया से खत्म होने में पूरे 10 मिनट लगे। 10 मिनट बाद सर्पेश ने अपने अदन ऊर्जा समाहित करना बंद कर दिया और खुश होते हुए बोला, मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। मेरे विष से अब किसी भी दुश्मन का बचना मुश्किल होगा। अब मेरे पास स्वर्गीय विष की शक्ति है। अब पूरे आसमान के साथ साथ पूरा वातावरण भी साफ हो गया था, लेकिन आर्यन अब भी ध्यान में था। सब कुछ शांत होने के घंटे बाद आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसके आंखों में सप्तरंगी रोशनी जल रही थी, लेकिन कुछ पल में वो रोशनी शांत हो गई। तभी आर्यन को दिखा कि उसकी तरफ तिलिश्मी जानवरों की भीड़ आ रही है। ये देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक आर्यन के पास पहुंचते ही सभी तिलिश्मी जानवर घटने के बल बैठ गए और बोलने लगे, उस्ताद आप महान हो, आप जैसा कोई नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ है उस्ताद। सभी तिलिश्मी जानवरों की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, उठो सब और बताओ तुम सब ठीक हो ना। जी उस्ताद हम ठीक है, सभी तिलिश्मी जानवर ने एक साथ कहा। सभी के बोलने के बाद सर्पेश आगे आया और बोला, धन्यवाद उस्ताद, आपकी वजह से हमें स्वर्गीय विष की शक्ति मिल गई, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। आर्यन सर्पेश की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी आर्यन को दिखा कि कुछ तिलिश्मी सांप उसी तरफ आने लगा। उन्हें देखकर आर्यन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर करीब 100 तिलिश्मी सांप थे जो इस वक्त अपने वास्तविक रूप में ही थे। जैसे ही वो सभी सांप आर्यन के समीप आए, वो सब इंसानी रूप में गए। उन सभी तिलिश्मी सांपों को इंसानी रूप में देखकर आर्यन के साथ साथ बाकी सभी को भी आश्चर्य हुआ। वो सभी अभी अभी इंसानी रूप में आए तिलिश्मी सांप को देख रहे थे। इंसानी रूप में आने के बाद वो सभी सांप आर्यन के सामने झुकते हुए बोले, धन्यवाद उस्ताद, आपकी वजह से हम इंसानी रूप में आ पाए हैं, अगर आप नहीं होते तो हम सब अभी भी सांप के रूप में ही होते। उनकी बात सुनकर आर्यन बोला, मुझे तो मालूम ही नहीं था
कि मुझे विष की शक्ति मिलने के साथ साथ तुम सबको भी ये शक्ति मिल जाएगी। चलो अच्छा हुआ अब मेरे पास तिलश्मी सौंपों की सेना है जो इंसानी रूप ले सकते हैं। असल में हुआ ये था कि जिस तरह से सर्पेश स्वर्गीय विष को धारण कर रहा था, उसी तरफ ये तिलश्मी सांप भी स्वर्गीय विष को अपने अंदर समाहित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सभी इंसानी स्वरूप में आ गए। आर्यन ने इतना कहा ही था कि वनराज आगे आया और बोला, उस्ताद आपकी वजह से ये सब तो शक्तिशाली बन गए और हम सबका क्या जिनकी मूल शक्ति बिजली है। वनराज की बात खत्म हुई ही थी कि काजल जो एक तिलश्मी चील थी सामने आए और बोली, उस्ताद और पक्षी का क्या जिनके पास हवा की शक्ति है। काजल के बाद सिंहराज सामने आया और बोला, हम अग्नि शक्ति वालों का क्या उस्ताद। उन सब की बात सुनकर आर्यन सबको देखने लगा, तभी उसकी नजर सुनहरी पर पड़ी जो एक भेड़िया थी। सुनहरी को देखकर आर्यन बोला, सुनहरी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। नहीं उस्ताद, मेरी मूल शक्ति बिजली है, जिसके बारे में वनराज ने पहले ही बोल दिया है, सुनहरी ने कहा। चलो ठीक है, देखो तुम सब जिसकी मूल शक्ति बिजली और हवा है, उसे तो भविष्य में ये शक्ति मिल सकती है, क्योंकि अभी तक मुझे स्वर्गीय हवा और बिजली की शक्ति नहीं मिली है। लेकिन जिन लोगों की मूल शक्ति आग और पृथ्वी है, उनके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ समय तो मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, क्योंकि तुम सब के ताकतवर बनने से मैं भी ताकतवर होऊंगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, सबको शक्ति मिलेगी, आर्यन ने कहा। धन्यवाद उस्ताद, हम प्रतीक्षा करेंगे, हमें आप पर विश्वास है, सभी तिलश्मी जानवरों ने एक साथ कहा। उनकी बात सुनने के बाद आर्यन सबको शांत कराते हुए बोला, अब एक जरूरी बात, एक दो दिन में मैं एक युद्ध लड़ने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मुझे तुम सब की आवश्यकता पड़े, खासकर सांपों की, क्योंकि ये युद्ध विष लोक के इंसानों से है जिनके अंदर विष की शक्ति है, तो आप सब योद्धा तैयार रहिएगा, मैं कभी भी बुला सकता हूँ। आर्यन की बात सुनते ही सभी तिलश्मी जानवर एक स्वर में बोला, हम हर युद्ध के लिए तैयार है। उस्ताद आप आदेश दीजिए, हम पूरे राज्य को तबाह कर देंगे। सभी तिलश्मी जानवरों का उत्साह देखकर आर्यन खुश हो गया और कुछ बोलने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, उस्ताद आपसे कोई मिलने आया है। ये आवाज तिलश्मी तोते की थी, जिसका नाम आर्यन ने मिठू रखा था। मिठू की बात सुनकर आर्यन बोला, कौन आया है? मिठू, आर्यन इतना बोला ही था कि उसे ख्याल आया कि इस दुनिया में आने का मार्ग सिर्फ उसके घर वालों के पास है। इतना ख्याल आते ही आर्यन मिठू से बोला, मिठू क्या मेरे माता पिता आए हैं? जी उस्ताद, वो हवेली के हॉल में बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मिठू ने कहा। मिठू की बात सुनते ही आर्यन बिना कुछ बोले हवेली के अंदर चला गया। आर्यन जब अंदर गया तो उसने देखा कि उसके माता पिता, छोटी माँ और हर्षित हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। उन सबको देखकर आर्यन खुश हो गया और वो हवेली के दरवाजे से ही बोला, माँ, पिताजी, छोटी माँ। आर्यन की आवाज सुनते ही उन सब ने सभी ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ आर्यन खड़ा था। आर्यन को देखते ही हर्षित तेजी के दौड़ते हुए उसके पास गया और उससे गले मिलते हुए बोला, आर्यन भैया, हमने आपको बहुत याद किया। हमने भी, इतना बोलकर आर्यन हर्षित से अलग हुए और अपनी माँ, पिताजी और छोटी माँ को प्रणाम किया। उसके बाद बोला, आप सब यहाँ, वास्तविक दुनिया में तो अभी रात होगी। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष ने कहा, तुम्हारी दोनों माताओं को चिंता हो रही थी, इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि तुम पर कोई खतरा मंडरा रहा है, क्या आर्यन अपने विश्वलोक के अभियान के बारे में बता देगा? एपिसोड 145। महाराज हर्ष से ये सुनकर कि उसकी दोनों माँ को चिंता हो रही थी, ये सुनकर आर्यन सोचने लगा, सच कहते हैं लोग की जब बच्चे पर कोई खतरा आने वाला होता है तो माँ को पहले ही आभास हो जाता है कि उसके बच्चे पर कोई खतरा आने वाला है। आर्यन अपनी ख्यालों में खोया ही था, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आर्यन की माँ बोली, आर्यन तुम क्या सोच रहे हो, क्या कुछ हुआ है? अपनी माँ की आवाज सुनकर आर्यन होश में आया और बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। आर्यन इतना बोला ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, ये झूठ बोल रहा है, महारानी, युवराज आर्यन एक युद्ध लड़ने वाले हैं। इस आवाज को सुनकर सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां से कार्तिक और धनंजय बाहर से अंदर आ रहा था। कार्तिक और धनंजय को देखकर और उन दोनों की बात सुनकर आर्यन ने उन दोनों को गुस्से में देखा। तभी महारानी अरुणिमा ने कहा, तुम दोनों कहना क्या चाहते हो, कौन सा युद्ध लड़ने वाला है? आर्यन, तुम सब तो अभी अभी गुरुकुल आए हो, फिर कैसे युद्ध? महारानी अरुणिमा की बात सुनकर कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन बोल पड़ा, अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, माँ ये दोनों ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। आर्यन की बात सुनकर महारानी अरुणिमा ने आर्यन को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम चुप रहो और कार्तिक तुम बताओ क्या बात है। महारानी अरुणिमा की बात सुनकर कार्तिक आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, माफ कीजिएगा युवराज, लेकिन मैं सच छुपा नहीं सकता हूँ, तुम दोनों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए, आर्यन ने गुस्से में कहा। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक कुछ नहीं बोला और फिर महाराज और दोनों महारानी की तरफ देखते हुए बोला, वो महारानी इस वक्त हम विश्वलोक में है,
कार्तिक की बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ ये सुनकर कि आर्यन इस वक्त विश्लोक में सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आर्यन के माता पिता आर्यन को देखे जा रहे थे। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद आर्यन की माँ चिंतित और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोली, आर्यन तुम विश्लोक में क्या कर रहे हो? उन सब दुश्मनों को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ आर्यन, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें वापस गुरुकुल लौट जाना चाहिए, आर्यन की छोटी माँ बोली। आर्यन की दोनों माँ की बात सुनकर महाराज हर्ष उन दोनों को शांत कराते हुए बोले, आप दोनों शांत हो जाए और आर्यन तुम बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतनी जल्दी में विश्लोक आना पड़ा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन बिना कुछ बोले अपनी माँ के पास गया और उनके दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोला, माँ मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप घबराइएगा नहीं। आर्यन की बात सुनकर सभी आर्यन को देखने लगे। वही आर्यन की माँ आर्यन के आंखों में देख रही थी। आर्यन की माँ को आर्यन की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। आर्यन की चिंता को देखकर आर्यन की माँ बोली, आर्यन क्या हुआ है बताओ, मुझे कोई बुरी खबर तो नहीं है? अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन ने लंबी सांस ली और बोला, माँ नाना नानी और मामा की जान को खतरा है, 2 दिन बाद उन्हें मौत की सजा दी जाने वाली है। आर्यन की बात सुनकर आर्यन के सभी परिवार वाले सन रह जाते हैं। कुछ पल सन रहने के बाद अचानक महारानी अरुणिमा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते रोते बोलती, क्या किया है उन लोगों ने जो उन सबको मौत की सजा दी जाने वाली है? आप नहीं जानती माँ कि वो विश्वदंत ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, आर्यन ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर महारानी अरुणिमा ने कहा, लेकिन इतने सालों बाद वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब तो मैं नहीं जानता माँ कि वो विश्वदंत इतने सालों तक कैसे रुका रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे रहते मेरे आपको को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष ने कहा, लेकिन आर्यन तुम अकेले कैसे लड़ोगे, वहाँ पर सेना होगी, हम एक काम करते हैं, अपनी सेना भेजता हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन ने कहा, नहीं पिताजी उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास सेना है, जरूरत पड़ने पर मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे पास सेना पर कहाँ और कैसे? महाराज हर्ष ने कहा। महाराज हर्ष की बात सुनकर आर्यन बोला, आइए आप सब मेरे साथ। इतना बोलकर आर्यन सीढ़ी की तरफ जाने लगा। उसे सीढ़ी की तरफ जाते देखकर आर्यन के माता पिता छोटी माँ और हर्षित के साथ कार्तिक और धनंजय भी आर्यन के पीछे चला जाता है। आर्यन सभी को छत पर ले जाता है और बाहर की तरफ तिलिश्मी जानवरों को दिखाते हुए कहता है, देखिए आप सब मेरी तिलिश्मी जानवर की सेना, मेरी इस सेना पर सभी तिलिश्मी जानवर 7वें स्तर के ऊपर के तिलिश्मी जानवर है। आयामी दुनिया में शक्तिशाली तिलिश्मी जानवरों को देखकर महाराज हर्ष, महारानी अरुणिमा और महारानी योगिता सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी हर्षित तिलिश्मी जानवरों को देखते हुए बोला, आर्यन भैया ये सब आपकी सेना है? हाँ ये सब मेरी शक्तिशाली सेना है, आर्यन ने कहा। हर्षित से इतना बोलने के बाद आर्यन अपनी माँ को देखते हुए बोला, माँ आप निश्चिंत हो जाए और महल जाकर आराम कीजिए, 2 दिन बाद मैं आपको आपके माता पिता से जरूर मिलवाऊंगा, ये मेरा वचन है। आर्यन की बात सुनकर महारानी अरुणिमा ने रोते हुए आर्यन को गले लगा लिया और बोली, मुझे विश्वास है मेरा बेटा अपने नाना नानी को कुछ नहीं होने देगा। आर्यन अपनी माँ के गले लगे हुए ही था, तभी महाराज हर्ष ने कहा, आर्यन क्या हम तुम्हारे कोई काम आ सकते हैं? नहीं पिताजी, विश्लोक की हवाओं में बहुत विष है, आप वहां जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप दोनों माँ के साथ महल लौट जाइए और 2 दिन बाद आएगा, तब तक मैं नाना नानी को बचा लूंगा, आर्यन ने कहा। ठीक है आर्यन, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर महाराज हर्ष छत से नीचे की तरफ आने लगे। उनके साथ सभी नीचे आ गए। नीचे आने के बाद महाराज हर्ष, महारानी अरुणिमा और महारानी योगिता के साथ हर्षित आयामी दुनिया से बाहर निकल गया। उन सब के जाने के बाद आर्यन कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? आर्यन की बात सुनकर कार्तिक डर गया और बोला, वो आर्यन राज्य से निकलने से पहले महाराज ने हम दोनों को आदेश दिया था कि हम उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताएं जब भी हम आयामी दुनिया में मिले, अगर मैं ये नहीं बताता तो महाराज के आदेश का उल्लंघन होता जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो उन्हें सच पता नहीं चलेगा, आर्यन ने कहा। कुछ दिन और आयामी दुनिया में रहने के बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय को आयामी दुनिया में ही छोड़कर बाहर निकल आया। वास्तविक दुनिया में सुबह हो गई थी। आर्यन जंगल से निकलकर बाजार की तरफ जाने लगा। बाजार में पहुंचकर आर्यन बाजार में घूम ही रहा था कि तभी उसे एक भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ को देखकर आर्यन जब उस भीड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जो दिखने में शक्तिशाली और अमीर परिवार से लगता था, वो एक लड़की को पकड़कर घसीटते हुए एक दुकान से बाहर लेकर आ रहा था। वो दुकान हथियारों के दुकान था। वो लड़की चिल्लाते हुए सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उस लड़के के पीछे 5 शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। ये नजारा देखकर आर्यन अपने बगल में खड़े आदमी से बोला, जो दिखने में कमजोर लग रहा था, भाई ये लड़का कौन है और कोई इस लड़की की मदद क्यों नहीं कर रहा है?
आर्यन की बात सुनकर उस आदमी ने पहले ऊपर से नीचे तक आर्यन को देखा, फिर बोला, क्या राजधानी में नया आए हो? हाँ, कल ही आया हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। तभी तो तुम इसे नहीं जानते, ये लड़का विषधर परिवार का उत्तराधिकारी है, इसका नाम वासु है, ये बहुत अहंकारी है। विषधर परिवार विश्वलोक में राज परिवार के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली परिवार है, उस आदमी ने कहा। उस लड़के का परिचय जानने के बाद आर्यन कुछ पल सोचकर बोला, और ये लड़की कौन है? आर्यन की बात सुनकर वो आदमी बोला, ये उसी आदमी की बेटी है जिसे मौत की सजा मिलने वाली है, जिसका नाम हरियांश है। सम्राट विश्वदंत के आदेश पर इसे और इसकी माँ को बेच दिया गया था, जिसे विषधर परिवार ने खरीद लिया, लेकिन इसकी माँ ने इसे किसी तरफ से विषधर परिवार के घर से भगा दी थी, लेकिन फिर ये पकड़ी गई। दूसरी तरफ जैसे ही लड़की का परिचय मिला, उसके आंखों में खून उतर गया, क्योंकि आर्यांश उसके मामा का नाम था। आर्यन सभी हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। ओके, आगे जाते देखकर वो आदमी बोला, वो भाई कहाँ जा रहे हो? वहाँ खतरा है। उस आदमी की बात सुनकर भी आर्यन ने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया और सबको अलग करते हुए वासु के सामने खड़ा हो गया। जब वासु ने देखा कि कोई उसके सामने रास्ता रोके खड़ा है, तो वो गुस्से में आर्यन को देखने लगा। आसपास खड़े लोग भी आर्यन को आश्चर्य में आर्यन को देख रहे थे। भीड़ में खड़े लोग आर्यन को देखकर बातें करने लगे, अरे भाई, ये कौन है जो विषधर परिवार के वारिस के सामने खड़ा हो गया है? क्या इसे डर नहीं है कि वासु इसे मार डालेगा? दूसरी तरफ आर्यन चुपचाप वासु के आंखों में देखता रहा। एक अनजान आदमी को सामने देखकर वासु के पीछे खड़े योद्धाओं में से एक ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये लड़के कौन है तू? हट जा रास्ते से, नहीं तो मारा जाएगा। उस योद्धा की बात सुनकर आर्यन ने उस योद्धा की आंखों में देखा और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। आर्यन के ऐसा करते ही उस योद्धा का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वासु और वो लड़की आश्चर्य में आर्यन को देखे जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तभी सबकी नज़र आर्यन के हाथों में खून से रंगी तलवार पर पड़ी। आर्यन का हमला इतना तेज था कि किसी ने आर्यन को तलवार निकालते और हमला करते हुए देखा ही नहीं। अपने एक आदमी को मरा हुआ देखकर वासु अपने बाकी आदमियों को देखकर बोला, मूर्खा, देख क्या रहे हो, मार डालो इस लड़के को। अब तक जो लोग शौक में थे, वासु की आवाज़ सुनकर वो सभी शौक से बाहर आए, और होश में आते ही वासु के आदमियों ने एक साथ आर्यन पर हमला कर दिया। लेकिन ये क्या, कुछ ही पलों में वासु के सभी आदमियों का सर धड़ से अलग हो चुका था और वो सभी मर चुके थे। आर्यन इस वक्त मौन था, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थी। जो भी आर्यन की आंखों में देखता, उसे मौत का डर सताने लगता। आर्यन का ये रूप देखकर सभी लोग बिल्कुल मौन हो गए। सभी के मन में एक ही बात चल रहा था, कहीं वो कुछ बोले और आर्यन को गुस्से का गया तो वो उनका भी यही हाल करेगा। वासु का शरीर तो डर के मारे पिला पर गया था, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत करके कहा, ये लड़के तू कौन है और हमसे तेरी क्या दुश्मनी है? मेरे बारे में जानकर तू क्या करेगा? लेकिन इतना जान ले, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ आधे दिन का समय है। अगर विषधर परिवार ने इसकी माँ को आज़ाद नहीं किया तो मैं पूरे विषधर परिवार को तबाह कर दूंगा, आर्यन ने गुस्से में वासु को देखते हुए बोला। क्या आर्यन का सच सबके सामने आ जाएगा? और क्या आर्यन ने वासु के आदमियों को मारकर कोई गलती कर दी है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन।